और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। खबर है कि इन सीटों पर उम्मीदवारी के ऐलान से पहले प्रियंका और राहुल दोनों ही अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण के दौरान कांग्रेस ने आने से इनकार कर दिया था, कांग्रेस का कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचा था। और अब ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही रामलला के दर्शन करेंगे, अयोध्या जाकर रामलला का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद ही रायबरेली और अमेठी को लेकर उनकी उम्मीदवारी का ऐलान होगा। तो आज केरल के वायनाड में मतदान चल रहा है और यही उम्मीद जताई जा रही है कांग्रेस की ओर से, और सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि अमेठी से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, लेकिन वायनाड में इलेक्शन होने के बाद ये ऐलान किया जाएगा। और ऐलान होने से पहले राहुल गांधी रामलला जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, अयोध्या जाकर रामलला के मंदिर में जाकर। राहुल और प्रियंका गांधी के अयोध्या जाने की खबर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने टिप्पणी की है। सीएम योगी ने कहा कि सुना है कि भाई बहन अयोध्या जाने वाले हैं, पहले कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम हैं ही नहीं, अब कांग्रेस कहती है कि राम सबके हैं। मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। और जब देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में मोदी जी के प्रयास से आपके एक एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। देखो ना इनके दोहरे चरित्र को, पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। बहन और भाइयों, इन पे विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना, ये लोग धोखा देंगे। जब भी इनको अवसर मिलेगा ये लोग धोखा देंगे। हमें धोखेबाजों से नहीं, हमें भ्रष्टाचारियों से नहीं, हमें हिंदुस्तान की सुरक्षा और हिंदुस्तान की संप्रभुता के साथ साथ हिंदुस्तान को समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाली सरकार चाहिए, और वह केवल भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी, भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी। उधर बदायूं में शिवपाल यादव ने सीएम योगी के चूरन वाले बयान पर पलटवार किया। सीएम योगी ने शिवपाल यादव को सत्यनारायण भगवान की कथा में चूरन लेने वाला बताया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, कपड़े तो संतों के पहनते हैं, उससे तो लगता है कि संत हैं, लेकिन ये संतों का ज्ञान नहीं है मुख्यमंत्री जी को। अब जब सत्यनारायण कथा होती है, कथा के बाद प्रसाद बढ़ता है, अब वो बता रहे हैं चूरन चटनी, और चूरन चटनी ऐसे व्यक्त के बारे में बता रहे हैं, तो ये चूरन चटनी खाने वाले व्यक्त ने बहुत से लोगों का हजमा दुरुस्त कर दिया है।